उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर ताजा अपडेट आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष DG राजीव कृष्णा ने बताया कि लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अलग अलग तिथियों में अपलोड होगा। निर्धारित परीक्षा दिवस के सापेक्ष प्रवेश पत्र जारी होने की नियत तिथि से पूर्व किसी भी अन्य परीक्षा तिथियों के प्रवेश पत्र अपलोड नहीं किए जाएंगे। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपेक्षा की है कि वह अपनी परीक्षा तिथि के आधार पर प्रवेश पत्र जारी होने की अंकित तिथि को ही अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करें ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। बता दें कि बोर्ड द्वारा 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड आज अपलोड कर दिया गया है। इसी तरह 24 अगस्त की परीक्षा का 21 अगस्त को, 25 अगस्त की परीक्षा का 22 अगस्त को, 30 अगस्त की परीक्षा का 27 अगस्त को और 31 अगस्त की परीक्षा का 28 अगस्त को एडमिट कार्ड अपलोड किया जाएगा। सिपाही सीधी भर्ती की दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन में अपने आधार नंबर का उल्लेख नहीं किया है उन्हें अनिवार्य रूप से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर जाकर आधार कार्ड का सत्यापन कराना होगा। अन्य अभ्यर्थियों को भी इसी तरह 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पूर्व किसी को भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 8867786192 और 9773790762 जारी किया है। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष DG राजीव कृष्णा ने बताया कि अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए उनके परीक्षा केंद्रों वाले जिलों की सूची शुक्रवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। फरवरी में हुई परीक्षा के लिए करीब 48 लाख आवेदन आए थे जिन्हें दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। सॉल्वरों पर नकेल कसने के लिए बोर्ड तकनीक का इस्तेमाल करेगा। दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।